अब बनाते हैं लेमन वॉफल्स विद रेस्बेरी सॉस। जी हाँ, फटाफट बनाएंगे। और इसके लिए क्या क्या चाहिए ये देखिए, जरा शुरुआत करते हैं हम। ये मेरे पास अंडे, ये वॉफल जो हैं, एक्चुअली जो केक का प्रिंसिपल होता है बस वही इसी के लिए है। तो अंडे और शुगर, इसके अंदर हम डालते हैं ये मैदा, मैदे के साथ बेकिंग पाउडर और चुटकी भर नमक, ये लीजिए, ये इसके अंदर, और ये सब चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। इसके अंदर डालना है हमें ये बटर मिल्क, और अब इसके अंदर ये मेल्टेड बटर। जैसे मैंने आपको बताया जो वॉफल्स हैं उसके अंदर प्रिंसिपल जो है वो केक का ही होता है, तो केक का बैटर ऑलमोस्ट। और ये इसके अंदर नींबू का छिलका, और उसके साथ साथ थोड़ा सा नींबू का रस, और ये दोनों चीज़ें मिक्स कर ली। और अब जो हमारा वॉफल मेकर है, ये देख लेते हैं इसका क्या हाल है। मुझे लगता है गर्म काफ़ी हो गया है, और इसे थोड़ा सा ब्रश कर लेता हूँ मैं बटर या तेल के साथ। और ये जो लेमन वाला बैटर हमारे पास वॉफल्स का, ये इसमें डालें, इसे बंद कर दें, और ये फूलेगा, और कई बार ये खुल भी जाता है। खैर देखते हैं। इसकी सॉस बनाने के लिए ये मेरे पास है रास्पबेरी सिरप, थोड़ा पानी। अब ये जो है गरम हो गया, इसके अंदर डाल देते हैं ये कॉर्न स्टार्च इसे गाढ़ा करने के लिए, और ये, और ये जो सॉस है ये तैयार। और ये जो हमारे पास है, चलिए इसे देख लेते हैं। वाह क्या बढ़िया, ये तैयार क्रिस्प वॉफल्स, ये लेकर गर्मा गर्म वॉफल्स। और अब ये जो रास्पबेरी सॉस है जो हमने बनाई रास्पबेरी सिरप के साथ, ये ले ली। और सबसे बड़ी खासियत इसकी ये है कि जब आप वॉफल खाएंगे तो आपको उसमें से हल्का हल्का सा टेस्ट आएगा नींबू का, लाइम या लेमन। खैर इसके बारे में मैं बताऊंगा, अभी तो नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स, उसके बाद इसका एक रिकैप। इसके लिए हमें चाहिए 2 बड़े चम्मच नींबू का रस, 2 छोटे चम्मच नींबू का छिलका ग्रेट किया हुआ, 2 अंडे, 2 बड़े चम्मच पीसी चीनी, 5 बड़े चम्मच मक्खन, 1 कप मैदा, 1.5 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच नमक, 3/4 कप बटर मिल्क यानी छाछ, सॉस के लिए 1 कप रेसबेरी सिरप और 1 बड़ा चम्मच कॉर्नस्टार्च, 2 बड़े चम्मच पानी में घुला हुआ। इसे बनाने के लिए अंडों में चीनी डालकर फेंट लें, फिर इसके अंदर मैदा, बेकिंग पाउडर, नमक, छाछ, पिघला मक्खन, नींबू का छिलका और नींबू का रस डालकर इसे अच्छी तरह से फेंटें और इसका एक स्मूथ बैटर तैयार कर लें। और अब वफल मेकर को गर्म करें और इसके अंदर तैयार बैटर को डालकर इसे सुनहरा होने तक पकाएं। सॉस के लिए 1 पैन में रेसबेरी सिरप और 2 बड़े चम्मच पानी डालकर इसे पकाएं, फिर इसके अंदर पानी में घुला कॉर्नस्टार्च डालकर इसे गाढ़ा होने तक पका लें और इस सॉस को तैयार वफल पर डालकर गर्मा गर्म सर्व करें।